गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से आ गया हूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट को लेकर के। पहले पार्ट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट के साथ साथ उनके फॉर्मूलाज को बताए थे। अब अगले पार्ट में जब आए हैं, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो है ये पार्ट टू है, और पार्ट टू में जो है हम बताने जा रहे हैं आपको उन फॉर्मूलाज का यूज कर करके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है, और इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। तो आप लोग पेशेंस रख करके पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें और बहुत सारे चीज़ को सीखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि छोटा से लेकर चलेंगे ना तो सारे पॉइंट जो है काफ़ी क्लियर होते चलेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कहता है फाइंड गेन और लॉस परसेंट। कहता है गेन और लॉस परसेंट निकालिए, यानी गेन होगा तो गेन परसेंट और या फिर लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालना है। भेन सीपी बराबर 620 रुपया तो एसपी बराबर 730, यानी सीपी बराबर 620 रुपीज है और एसपी बराबर 713 रुपीज है, तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बताइए, लॉस होगा तो लॉस। दूसरा क्वेश्चन में भी उसी तरह से सीपी बराबर 675 है और एसपी बराबर 630 है, तो इसमें प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और लॉस होगा तो लॉस परसेंट बतलाना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले एक चीज देखते हैं कि देखिए भाई, यहाँ पर सीपी दिया हुआ है 620 रुपीज और एसपी दिया हुआ है 713 रुपीज, यानी कि 620 रुपीज सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस यानी खरीदे कितना में परचेज किए जी 620 रुपीज में, और उसको सोल्ड आउट कर दिए बेच दिए कितना में 713 रुपीज में, तो यानी खरीद रहे 620 रुपया में और बेच रहे 713 रुपया में, यानी ज़्यादा में बेच रहे, यानी प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में सीपी बराबर कितना दिया हुआ है रुपीज 620 एंड एसपी बराबर कितना दिया हुआ है एसपी बराबर रुपीज 713 दे रहा है। तो यहां पर ये हमें क्लियर हो रहा है कि एसपी ज्यादा है यानी बेचने वाला दाम ज्यादा है, डेट मींस प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट होगा तो अब हमको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि प्रॉफिट निकालिए। तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी यहां पर कितना है जी रुपीज 713 है और सीपी कितना है रुपीज 620। अब घटा दिए तो घटाने के बाद शायद 93 बच रहा है, तो 93 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मरने को कहा क्या जा रहा है, प्रॉफिट परसेंट बतलाइए, क्या बतलाइए, प्रॉफिट परसेंट। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको बताया गया होता है, या आप बनाए हैं अगर परसेंटेज तो उसमें आपको किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना होता है तो उसकी क्वांटिटी, और जिसके अकॉर्डिंग निकालना होता है उसकी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में और इनटू 100 करते तो आ जाता है परसेंटेज। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100%, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100%। तो प्रॉफिट बराबर रुपीज कितना है 93, यहाँ पर सीपी कितना रुपीज है, तो सीपी यहाँ पर देखिए जी 620 रुपीज है, तो सीपी के जगह पर 620 और इनटू कितना हो गया 100, तो इतना परसेंट हो गया। अब रुपीज से रुपीज कट गया, 10 से 10 कट गया, और उसके बाद 31 के टेबल से काटे तो 2 आ गया, 31 के टेबल से काटे 3 और 2 के टेबल से 10 को काटे तो 5, यानी फाइनली क्या बच गया प्रॉफिट परसेंट बराबर, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर जो है वो बच गया 5 × 15%, यानी कि यहाँ पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी किसी वस्तु को अगर 620 रुपीज़ में परचेज करके 713 रुपीज़ में सोल्ड आउट करते हैं तब हमें 15% का प्रॉफिट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, तो इसी का सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि सीपी बराबर इतना बता रहा है और एसपी बराबर 630, यानी सीपी बोल रहा है 675 और सीपी 630, यानी 675 रुपया में खरीद करके 630 रुपये में बेच दिया, यानी कहने का मतलब सस्ते में बेच दिया, कम में बेच दिया। तो जब कम में बेचता है यानी जितना में परचेज किया उससे भी कम कॉस्ट में अगर किसी चीज़ को आप बेचते हो तो ऐसे कंडीशन में आपको होता क्या है, लॉस। क्या होता है, लॉस। तो यहाँ पर भी क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अब सीपी कितना रुपीज है जी, तो सीपी जो है 675 रुपीज है और एसपी कितना है रुपीज 630 है। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा जी, रुपीज 40 आएगा। रुपीज कितना आएगा, सॉरी रुपीज 45 आएगा। कितना आ गया, 45 रुपीज आ गया। तो चलिए ये 45 रुपीज आ गया, तो ये तो हो गया आपका क्या चीज, तो ये आपका लॉस हो गया। लेकिन मेरे को चाहिए क्या चीज, लॉस परसेंट चाहिए।
तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉस अपॉन सीपी और इनटू 100%। तो लॉस कितने का हो रहा है जी, तो 45 रुपीज़ का। सीपी कितना है जी, तो सीपी 675 है, तो रुपीज़ 675 और इनटू 100 कर दिए तो ये आ गया आपका परसेंट में, रुपीज़ से रुपीज़ कट गया। और आप चाहो तो 15 के टेबल से काटेंगे तो 15 के टेबल से ये 3 आएगा, तो अगर इसको 15 के टेबल से काटेंगे तो 4 और 5 आ गया। फिर उसके बाद 3 के टेबल से इसको काट देंगे तो ये बचेगा 15, तो 100/15, 5 के टेबल से कटेगा तो ये 3 और 5 के टेबल से ये कटेगा तो 20। तो फाइनली कितना आ रहा है जी, तो फाइनली आ रहा है 20/3%। 20/3% को कितना बोलेंगे, 6/2/3% बोलेंगे, यानी कि 6/2/3% का यहाँ पे लॉस हो रहा है। कब, किसी सामान को अगर 675 रुपये में खरीद करके 630 में बेचते हैं तब, तो यहाँ पर ये लॉस हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि उसको कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं, दो क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, भेन सीपी बराबर इतना, गेन परसेंट बराबर इतना। सीपी बराबर ये तो लॉस परसेंट बराबर ये, सीपी बराबर ये तो लॉस परसेंट बराबर ये। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का सीपी दिया हुआ है और उस पर जो गेन परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है और गेन परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, तब एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला बताया गया था, तो 2 का फर्स्ट हम बताते हैं। तो सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल जो भी आर्टिकल होगा उसका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बताया गया आप लोगों को, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन क्या होगा, 100। ये फार्मूला कब होता है, जब गेन रहता है तब। अगर लॉस होता है तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, यानी सेम चीज़ रहता है, गेन रहता है तो प्लस गेन परसेंट, लॉस रहता है तो माइनस लॉस परसेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए सीपी, तो सीपी कितना रुपीज़ है जी, तो सीपी कितना रुपीज़ है, तो यहाँ पर सीपी है तो सीपी के जगह पे 1650 है और इंटू 100 प्लस कितना परसेंट का गेन हो रहा है भाई, तो 4% का, तो 100/4/100 हो गया। अब कितना बचेगा फाइनली, तो रुपीज़ 1650/104 और बाई कितना हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पर एक जीरो कट गया और उसके बाद 5 के टेबल से काटेंगे तो 5 के टेबल से काटेंगे तो ये आएगा आपका 2 और इसको 5 के टेबल से काटेंगे तो ये आएगा 33। फिर उसके बाद 2 के टेबल से काटेंगे तो ये आ गया आपका 54 आ गया, यानी सीपी बराबर कितना हो जाएगा, रुपीज़ 33/54 हो गया। तो आप 33 को 54 से गुना कर दीजिए, 54/33 तो 162, तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1, यानी कि रुपीज़ कितना आ जाएगा, 1782 होगा। तो ये अक्सर मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, आप लोग को खुद मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपका निकल गया क्या चीज़ जी, ये निकल गया आपका सेलिंग प्राइस, किसका सेलिंग प्राइस जी, तो आर्टिकल का, यानी कि किसी चीज़ को अगर 1650 रुपया में खरीदे और 4% का अगर उस पर हमको प्रॉफिट कमाना है तो उसको हमको कितना में बेचना पड़ेगा, 1782 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें सीपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तब एसपी निकालना है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, 2 का सेकेंड, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस बराबर सीपी इंटू 100, इसमें लॉस हो रहा है तो माइनस क्या होगा, लॉस परसेंट अपॉन 100 होगा। तो यहाँ पर सीपी कितना रुपीज़ है जी, तो सीपी जो है रुपीज़ 875 है इंटू 100 और उसके बाद माइनस लॉस परसेंट, तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है जी, तो सेकेंड में आपको 12% का लॉस हो रहा है, तो -12/100 कितना हो गया, 100। अब कैलकुलेट करना है आपको, रुपीज़ 875 इंटू यहाँ पर 88/ कितना हो गया, 100 हो गया। तो आप 25 के टेबल से काटिए तो ये 4 आएगा, इसको 25 के टेबल से काटेंगे तो 3 और उसके बाद 5 आएगा, 35 आएगा, 35 4 के टेबल से ये काट दिए तो 22 आ गया, तो यानी रुपीज़ कितना हो गया जी, 35 इंटू 22 हो गया, तो आपको कितना आ जाएगा ये, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो 770 आ जाएगा। यानी आज यहाँ पर जो हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल 770 हो जाएगा, यानी कि अगर 875 रुपया में खरीदे और 12% का अगर लॉस सहना पड़ रहा है तो उसको कितना में बेचे होंगे, तो 770 रुपीज़ में उसको सोल्ड आउट किए होंगे। अब आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है जी, तो सेकेंड का जो थर्ड है वो भी कुछ ऐसा ही है कि उसमें क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट, लेकिन यहाँ पर लॉस परसेंट जो है फ्रैक्शन में है, तो इसके लिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो लॉस परसेंट अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कुछ नहीं, प्रोसेस वही, फॉर्मूला वही, खाली कैलकुलेशन पे केयर करना है। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सी पी इंटू 100 और माइनस लॉस परसेंट अपॉन क्या होगा, 100 होगा। तो सी पी, तो सी पी कितना है, तो सी पी आपका इसमें देखिए कितना रुपीज़ है, तो 645 रुपीज़ इंटू 100 और माइनस लॉस, तो लॉस कितना है, 13 होल 1/3% अपॉन कितना हो गया, 100 हो गया। तो रुपीज़ 645 इंटू 100 माइनस, इसको होल तोड़ेंगे तो आ जाएगा 40/3 अपॉन कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसको पहले ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन करेंगे तो रुपीज़ 645 और इंटू ये घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 260/3/100 हो गया। अब 3 सिंगल ब्रैकेट के अंदर आ गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा 3, तो 3 को नीचे ले आएंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो 3 से अगर 645 को काटते हैं तो 215 आता है और उसके बाद एक जीरो कट जाएगा। 5 के टेबल से काटेंगे तो ये 2 आएगा, 5 के टेबल से इसको काटेंगे तो ये आएगा 43 और 2 के टेबल से काटेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो यानी फाइनली जो बचेगा आपको वो क्या बचेगा जी, तो फाइनली आपका जो बचेगा वो ये बचेगा, कितना बचेगा, तो यहाँ पर आ गया रुपीज 43 और इंटू 13 आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ रहे तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। किसी भी वस्तु का खरीदने वाला दाम और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताया हुआ रहे तो बेचने वाला दाम आप निकाल सकते हैं, ऐसा उम्मीद आपसे रख सकते हैं। तो अभी आप देख रहे थे कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें कॉस्ट प्राइस और गेन या लॉस परसेंट दिया हुआ रहता था तो सेलिंग प्राइस निकालते थे, है ना, लेकिन अब उसका उल्टा है। अब जो है सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ रहेगा तो कॉस्ट प्राइस निकालना, यानी कि किसी सामान को कितना में परचेज किया, यानी बेचने वाला दाम, और गेन या लॉस परसेंट दिया हुआ रहेगा तो बताइए कि उस वस्तु का सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, खरीदने वाला दाम क्या होगा, वो बतलाना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उसमें एसपी दिया हुआ है और गेन परसेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एसपी दिया हुआ और गेन परसेंट दिया हुआ है और सीपी निकालने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितना होता है फॉर्मूला, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, अगर गेन होता है तो, अगर लॉस होता है तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस लॉस परसेंट होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन हम 3 का फर्स्ट बना रहे हैं उसमें एस पी दिया हुआ है और गेन परसेंट दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस का क्या होना चाहिए, तो एस पी इंटू 100 अपॉन 100 अब प्लस गेन परसेंट, यानी गेन परसेंट जहाँ पर भी रहता है प्लस में रहता है। तो यहाँ पर देखिए एस पी, तो एस पी का वैल्यू कितना है, तो रुपीज जो है 1596 है और इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, तो गेन परसेंट कितना है 12, तो 12 दे दिए। अब कैलकुलेट करेंगे तो रुपीज 1596 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 12 112 आ गया। अब उसके बाद कैलकुलेशन करिए, काटिए उसको, उसके बाद जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से, एसपी दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है तब सीपी निकालना है। तो यहाँ पर दूसरा जब बना रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस,
तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला तो फिर वही होगा एस पी इंटू 100 अपॉन 100, लेकिन इसमें लॉस हो रहा है तो माइनस क्या होगा, लॉस परसेंट होगा। तो एस पी कितना रुपीज है जी, तो एस पी जो दिया हुआ है इसमें 2431 रुपीज है। तो 2431 इंटू 100 और अपॉन 100 और माइनस लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट 6 whole 1/2 है, तो इसको होल तोड़ेंगे तो 6 whole 1/2 जो होता है वो 13/2 आता है, तो माइनस लॉस परसेंट यानी 13/2 आ गया। अब कैलकुलेशन सिर्फ करना है तो रुपीज 2431 इंटू 100 अपॉन, अब इसको होल तोड़ेंगे तो 200 घटाएंगे 100 माइनस 13/12 2 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 187/2 आ जाएगा, तो 187 अपॉन 2 आएगा। अब नीचे सिंगल फ्रैक्शन है तो नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर जा सकता है, तो रुपीज़ 2431 इंटू 100 अपॉन 187 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद अब कैलकुलेट करिएगा तो वो जो कॉस्ट निकल के आएगा वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, तो तीसरा क्वेश्चन में भी एसपी दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है, यानी सेम फॉर्मूला तीसरा क्वेश्चन में भी लगेगा। क्या लगेगा फॉर्मूला जी, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होगा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट होगा। तो एसपी, तो एसपी क्या है भाई, तो एसपी यहाँ पर जो दिया हुआ है थर्ड में 657 अपॉन 60, तो यहाँ पर कितना हो गया रुपीज 657 अपॉन 60 इंटू 100 अपॉन, उसके बाद क्या 100 माइनस लॉस परसेंट, तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है 4% का, तो यहाँ पर माइनस 4 होगा। अब कैलकुलेट करेंगे रुपीज 657.60 इंटू 100 अपॉन 96 हो गया। अब यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 digit है तो नीचे में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, रुपीज 657.60 अपॉन 96 आएगा। अब इसको आप डिवाइड करिए और जो भी वैल्यू आएगा वही हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी अब ये तो समझ गए होंगे कि अगर सेलिंग प्राइस यानी बेचने वाला कॉस्ट और उसके बाद गेन या लॉस परसेंट दिया हुआ रहे तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट या फिर एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ये दो फॉर्मूला लगा करके एस पी गेन या लॉस परसेंट दिया हुआ रहता है तो सी पी निकाल सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ओर, अगला क्वेश्चन क्या है, अब जो कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं उन क्वेश्चंस में क्या है कि लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। तो देखिए दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, मोहित बाउट ए सी डी फोर रुपीज 750 एंड सोल्ड फोर रुपीज 875। मोहित जो है एक सीडी को 750 रुपीज़ में बाउट मतलब ख़रीदा और उसके बाद बेच दिया उसको 875 रुपीज़ में, तो बताइए कि यहाँ पर उसका गेन परसेंट क्या होगा। तो भैया गेन परसेंट बाद में, पहले गेन निकालते हैं। तो इसमें दिया हुआ क्या क्या चीज़ है, तो इसमें दिया हुआ क्या 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 चीज़ है, तो गिवन डैट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सी पी ऑफ द सी डी, तो सी डी का सी पी कितना दिया हुआ है रुपीज़ 750, उसके बाद क्या दिया हुआ है एस पी ऑफ द सी डी, तो सी डी का एस पी दिया हुआ है रुपीज 875। अब हमको क्या चाहिए, तो गेन हो रहा है इसमें क्योंकि एस पी ज़्यादा है, तो गेन बराबर फॉर्मूला क्या होता है एस पी माइनस सी पी, तो यहाँ पर देखिए एस पी कितना रुपीज है जी 875 माइनस सी पी रुपीज 750 है, घटाने के बाद रुपीज 125 125 रुपये का गेन हो रहा है। लेकिन हमको इसमें गेन नहीं चाहिए, गेन परसेंट चाहिए। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको तो जानते होंगे कि गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सी पी और इंटू 100% होता है। तो गेन कितने रुपीज का है,
तो रुपीज 125 और सीपी, तो सीपी कितना रुपीज है जी, तो सीपी 750 रुपीज है, तो 750 और इंटू 100% हो गया, रुपीज से रुपीज कट गया और 10 से 10 कट गया, 25 के टेबल से काटेंगे 3 और यहाँ पर 25 के टेबल से काटेंगे तो आएगा 5, तो 5 इंटू 10 बराबर बोले तो 50/3% आएगा। तो जब इसको होल में बदलिएगा तो 16 होल 2/3% हो जाएगा। यानी कि अगर मोहित एक सीडी को 750 रुपीज में ख़रीद करके 875 रुपीज में बेचेगा तो उसको 125 रुपया का लाभ होगा, या परसेंट में बोला जाए तो 16 होल 2/3% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। अब एक बैट इज बाउट फॉर रुपीज 120, एक बैट जो है ख़रीदा गया 120 रुपये में एंड सोल्ड फॉर रुपीज 105 और इसको बेचा गया 105 रुपये में, ख़रीदा गया 120 रुपये में और बेचा गया 105 रुपये में, तो इसमें लॉस परसेंट बताइए। तो इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसमें भी बताएंगे क्या चीज़ की द सीपी ऑफ द बैट, तो बैट का सीपी कितना रुपीज है जी, रुपीज 120, द एसपी ऑफ द बैट, तो बैट का एसपी कितना है जी, रुपीज 105 है। तो यानी ख़रीदा 120 रुपये में और बेच रहा है 105 रुपीज़ में, यानी कम में बेच रहा है, तो भैया जब कम में बेचेगा तो क्या होगा, लॉस होगा, तो यहाँ पर लॉस होगा, तो लॉस बराबर क्या होगा, तो लॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है, तो सीपी बराबर रुपीज 120 और एसपी बराबर रुपीज 105 घटाने के बाद पता चला कि 15 रुपीज का लॉस हो रहा है, 15 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन मन्ने को लॉस परसेंट पूछा जा रहा है, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100%, तो लॉस कितने का हो गया जी, तो लॉस जो हो गया 15 रुपीज का हो गया अपॉन सीपी, तो सीपी कितना रुपीज है, 120 रुपीज है इनटू 100% हो गया। अब यहाँ पर रुपीज रुपीज कटेगा और 15 के टेबल से 120 को काटेंगे तो 8 आएगा, 4 के टेबल से काटेंगे 2 आएगा, 4 के टेबल से 25, यानी फाइनली आ जाएगा 25/2% आ जाएगा, बोले तो 12 होल 1/2% का इसमें लॉस होगा। यानी किसी बैट को 120 रुपया में ख़रीद करके 105 रुपीज में बेचेंगे तो यहाँ पर 12 होल 1/2% का लॉस होगा। तो दो क्वेश्चन और आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये दो क्वेश्चन क्या है, तो कहता है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द ऑब्जेक्ट ऑफ रुपीज 450 सो डैट गेन 10%, कहता है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, कहता है कि किस प्राइस में वह बेचे द ऑब्जेक्ट ऑफ रुपीज 450, 450 रुपये की वस्तु, 450 रुपये की वस्तु, तो 450 रुपया का वस्तु है, इसका ये मतलब होता है कि उसका सीपी 450 रुपीज़ है और उसको कितना में बेचे ताकि 10% का गेन हो जाए। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या चीज़ है भाई, तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन डैट, गिवन डैट क्या दिया हुआ है, तो गिवन डैट सीपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सीपी ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का सीपी कितना दिया हुआ है 450 रुपीज, और यहाँ पर गेन परसेंट बता रहा है कि 10% का गेन हो रहा है, तो आपको क्या बतलाना है, एसपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एसपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आप लोग को जैसा कि बताए हैं थोड़ा देर पहले कि अगर सीपी दिया हुआ रहे और गेन परसेंट दिया हुआ रहे तो एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी इनटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, फॉर्मूला ज़रूर याद रखेंगे, एसपी बराबर क्या होता है सीपी इनटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100, तो सीपी यहां पर रुपीज कितना है 450 इंटू 100 प्लस कितने परसेंट का गेन हो रहा है 10 अपॉन कितना हो गया 100 हो गया, तो अब रुपीज 450 और इंटू 110 अपॉन 100 होगा, 10 कट जाएगा तो रुपीज आ जाएगा 495। यानी उस वस्तु को 495 रुपए में अगर बेचा जाए ना तो उस पर 10% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कहता है द आर्टिकल ऑफ रुपीज 500,
500 का आर्टिकल है। कितने का आर्टिकल है? 500, यानी 500 रुपये की वस्तु है इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%। 500 रुपये की वस्तु है और उसको 5% के लॉस पे बेच दिया, 5% के लॉस पे बेच दिया, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी 500 की वस्तु, यानी सीपी दिया हुआ है 500 रुपीज, लॉस परसेंट दिया हुआ है कितना 5%, तो एसपी बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो सीपी ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल का सीपी दिया हुआ है रुपीज 500, और उसके बाद इसमें लॉस परसेंट को बताया है कि 5% का लॉस हो रहा है ना, ऐसा दिया हुआ है। अब मेरे को चाहिए क्या चीज़ जी, तो एसपी ऑफ द आर्टिकल कितना में बेचा जाए, यानी एसपी, तो एसपी ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल का एसपी क्या होगा, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। भाई ये होता है लेकिन कब, जब गेन रहता है तब। अब यहाँ पर लॉस हो रहा है तो सब कुछ सेम होगा लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा, सीपी इंटू 100 और यहाँ पर प्लस गेन परसेंट होता है तो इसमें क्या होगा, माइनस लॉस परसेंट अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीपी, तो सीपी कितना रुपीज़ है, 500 रुपीज़ है, इंटू 100 माइनस कितने परसेंट का लॉस, तो 5% का लॉस अपॉन कितना हो गया, 100 हो गया, तो रुपीज़ कितना हो गया 500, और 100 में से 5 जाएगा तो बचेगा 95 अपॉन 100 हो गया, 2020 कट गया, तो रुपीज़ 5 और इंटू 95 बोले तो रुपीज़ 475 आएगा, यानी 475 रुपीज़ में उसको बेचा गया होगा तब 5% का लॉस हुआ है। यानी अब जो है सीपी और एसपी, सीपी दिया हुआ रहे और गेन या लॉस परसेंट दिया हुआ रहे तो एसपी निकाल सकते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को भी, है ना। तो नेक्स्ट